नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा सरकार जनता के हित में हमेशा तत्परता के साथ काम करती है और इसी कड़ी में सोमवार को हुई हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक कई मायनों में प्रदेशवासियों के लिए अहम रही। बैठक में जनता के हित के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आपको बता दें, करीब 21 एजेंडों में से 20 एजेंडों को मंजूरी इस बैठक में दी गई है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की नायब सरकार जनहित के लक्ष्य के साथ तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है और मजबूती के साथ जनता से सीधा सरोकार रखने वाली योजनाओं को गति दे रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कई अहम फैसले लेकर लोगों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए, जबकि 20 को सरकार बैठक के दौरान मंजूरी दे चुकी है। सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने हरियाणा में आबियाना को खत्म करने को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2024 के बाद का आबियाना यानी सिंचाई के पानी का बिल किसानों से नहीं लिया जाएगा। सरकार ने आबियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए माफ कर दिया है। जैसा मैंने बताया है कि कुल 21 एजेंडे आज मंत्रिमंडल की बैठक में आए, जिसमें 20 एजेंडों के ऊपर ये स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार का जो उद्देश्य है कि प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल करना और उनको सुविधाएं पहुंचाना, ये हमारी सरकार का ध्येय है। मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस बैठक में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पर मंथन हुआ। सीएम ने बताया कि अधिकारियों की कमेटी जल्द इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। रिपोर्ट मिलने के बाद कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। 10 नई फसलों नामांत की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद, ये 10 फसलें हैं। इनकी खरीद एमएसपी पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। यह हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, ये लंबे समय से अंग्रेजों के समय से जो उनसे आबियाना वसूल किया जाता था उसको समाप्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से अब ये आबियाना नहीं लिया जाएगा। आबियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए, वो भी हमने माफ करने का निर्णय लिया है। आबियाना खत्म होने से किसानों को हर साल 54 करोड़ रुपए का वो लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को आबियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं, ये मैं स्पेशल कोट करके इस बात को कह रहा हूं कि 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को आबियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं वो सभी नोटिस वापिस होंगे। वहीं अग्निवीरों के लिए भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश की नौकरियों में अग्निवीरों को 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल के आवेदन के लिए उम्र की समय सीमा में छूट दी है। हथियार लाइसेंस देने में भी प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा अपना उद्योग स्थापित करने के लिए अग्निवीरों को 5 लाख तक के ऋण दिए जाएंगे। इसी कड़ी में कैबिनेट ने बीसीबी को पंचायतों और निगमों में आरक्षण देने की भी मंजूरी दी है।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 14 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने का भी फैसला किया है। अग्निवीरों को ग्रुप सी के पदों में भर्ती के लिए ली जाने वाली लिखित संयुक्त पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अग्निवीरों को रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग व्यवसाय स्थापित करने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। पिछले 10 साल से हरियाणा सरकार समय समय पर जनहित के लिए योजनाएं बनाने और फैसले लेने का काम कर रही है। प्रदेश का अन्नदाता हो या फिर जवान, दोनों ही वर्गों के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। तो वहीं इस बार जल्द ही कच्चे कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी की खुशखबरी भी सरकार दे सकती है। सरकार हर प्रदेशवासी के सुख और संपन्नता के लिए इन खास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए तत्पर है।